छल परी, वही जादुई मुखौटा ना जिससे तुम हर बच्चे में बुराई फैलाना चाहती थी? वही मुखौटा जिसे बाल परी ने कहीं छुपा दिया था, तुम्हें वो मिल गया? हाँ। वही मुखौटा है मेरी नई धुन। तुम्हारी ये धुन और भी शक्तिशाली बन सकती है छल परी, अगर तुम सूर्य पूर्णिमा के दिन सूर्य की शक्तिशाली ऊर्जा को उस मुखौटे में समा लो। उससे ये मुखौटा इतना शक्तिशाली और इतना बुरा बन जाएगा जिसका सामना बालवीर भी नहीं कर पाएगा। शाबाश नाराज परी, क्या युक्ति निकाली है तुमने? अगर ये युक्ति सफल हो गई तो छल परी का वादा है तुमसे कि तुम्हें तुम्हारी सारी खोई हुई शक्तियां वापस दे दूंगी। ओ, बुराई की रानी छल परी, मत आना इसकी बातों में। अरे परियों की सुरक्षा के बीच है ऐसा करना असंभव। उसकी चिंता तुम मत करो तौबा तौबा, मैं हूँ ना। ओ, तुम है इसी बात की तो चिंता। क्या कहा? कुछ नहीं, चिंतन कर रहा था मैं, चिंतन। लेकिन छल परी, तुम्हें तुरंत ही वो जादुई मुखौटा अपने पास वापस लाना होगा। अगर बालवीर को इस जादुई मुखौटे के बारे में जरा सा भी संदेह हो क्या, तो तुम्हारी इस जादुई मुखौटे को महाशक्तिशाली बनाने की इस युक्ति पे पानी फिर जाएगा छल परी। ठीक है, चलो पृथ्वी लोग। मानव, क्या कर रहा है तू? देख, मोंटू रोहित केवल के डर के मारे हालत कितनी खराब हो गई है। वो हमेशा हमें परेशान करते थे ना, अब मैं उन्हें परेशान कर रहा हूँ। मानव, ये तो सही नहीं कर रहा, पर तू कर कैसे रहा है ये? मेरे हाथों से। हाथों से? ये देख। बंद कर इसे, बंद कर। और तुझे हो क्या गया है? तू कब से बुरा बन गया? और ये शक्ति कहाँ से आई तुझ में? मेहर, तू वो सब छोड़। जब हम अच्छे बच्चे थे तो मोंटू हमें परेशान करता था, लेकिन जब मैं बुरा बनाऊं तो मैं उसे परेशान करूंगा। और मेहर, तू सिर्फ देख और मजा ले। मानव, अगर दूसरे बुरे हैं इसका मतलब हम भी बुरे बन जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ऐसी शरारत जिससे किसी को चोट लग जाए, ये शरारत सही नहीं है। लेकिन मैं, मुझे इन्हें सजा देनी है। नहीं, इन्हें सजा मिलेगी, लेकिन बालवीर से, हमसे नहीं। और मैं तुझे इनकी तरह बुरा बच्चा बनने नहीं दूंगी। ये तो मेरी बात समझ ही नहीं रहा है, लगता है मुझे बालवीर को बुलाना ही पड़ेगा। देखा नाराज परी, कैसे मेरे जादुई मुखौटे की वजह से अच्छा और सच्चा बच्चा मानव बुरे बच्चों की तरह शैतानियां कर रहा है। वाह छल परी वाह, तुमने तो दिल खुश कर दिया। बालवीर, 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 तुम कहाँ? मैं बालवीर, वो जादू में इतनी परेशान क्यों?
क्या मोंटू ने तुम्हें परेशान किया? नहीं, मानव ने। मेहर, मानव ने तुम्हें परेशान किया? नहीं, मानव ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ बालवीर, पर वो बालवीर मान। मेहर, मैं तुम हिम्मत मत हारो और चिंता बिल्कुल मत करो। मेरे होते हुए तुम्हें और मानव को कुछ नहीं होगा। बिना डरे सब कुछ बताओ। हाँ बालवीर। कितना मजा आ रहा है मानव को जादुई मुखौटे की मदद से बुराई का खेल खिलाते हुए। लेकिन अफसोस, ये मजेदार खेल मुझे यही खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये मुखौटा अब वापस जो लेना है। हाँ छलपरी, हाँ, कहा आपने बिल्कुल सही। ले लीजिए मानव से वो जादुई मुखौटा और फिर दे दीजिए मुझे, और पाकर वो शक्तिशाली ऊर्जा, बन जाऊंगा मैं तीनों लोकों का राजा और फिर बनाऊंगा तुम दोनों को अपना गुलाम। बेवकूफ, तौबा तौबा। छलपरी, इस पागल की बातों पे आप बिल्कुल ध्यान मत दो। जल्द से जल्द मानव से वो जादुई मुखौटा छीनो आप। बेवकूफ है, समझती आप मुझे, लेकिन हूँ मैं करता सिर्फ अकल की बात। अरे लेंगे वो मानव से जादू मुखौटा वापिस तो नहीं बताएगा वो बालवीर को जादू मुखौटे के बारे में? नहीं नहीं, मानव बालवीर को उस मुखौटे के बारे में कभी नहीं बता पाएगा। क्योंकि मेरे जादू करते ना सिर्फ मानव के चेहरे से वो मुखौटा हटेगा, बल्कि उस मुखौटे की वजह से जितनी भी शैतानियां मानव ने की है वो सभी यादें उसके दिमाग से मिट जाएगी। नहीं मैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मानव अपनी उंगलियों से उस गाड़ी पे नियंत्रण कर रहा था। बालवीर, तुम जानते हो ना कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, पर मानव वो सब करते हुए जैसे खुश हो रहा था ना, वो भी अजीब था। पर एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा भाई मानव है ही नहीं। बालवीर प्लीज कुछ करो, प्लीज मानव को ठीक कर दो, प्लीज। ठीक है मैं, तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। रोहित कल रस्सी खुल गई। एक मिनट है बस, मैं आपको फिर से बांध लेता हूँ। रस्सी खुल गई मतलब यहाँ से भागो। अरे अरे भागो। लो नाराज परी, हमारा मुखौटा हमारे पास वापस आ गया। अब चले, चलो छल परी। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? बालवीर, मेहर, तुम लोग यहाँ? मानो तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मैं यहाँ क्यों और कैसे आ गया। मैं तो हाथ धोने जा रहा था। पर मानव, तू तो अपने जादू से मोंटू और केवल को परेशान कर रहा था ना? मैं मोंटू को परेशान कर रहा था? मेहर, जरूर तूने कोई सपना देखा होगा। और मोंटू रोहित केवल देखा? मेहर, मैंने कहा था ना कि मानव कभी ऐसा नहीं कर सकता, जरूर तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। ठीक है, मैं अभी तुम्हारी तसल्ली कर देता हूँ। हे भटकाजी परी, करनी है बात सही, पता लगा कि मानव पे हुआ है जादू या नहीं। देखा मैं, मानव के पास कोई जादुई शक्ति नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये तरंगे हरी नहीं बल्कि लाल होती। पर बालवीर, सचमुच में मानव अपनी उंगलियों से मोंटू रोहित केवल को परेशान कर रहा था। उंगलियों से?
मेहर, मैं जानता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल सकती, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारे यहाँ आने से पहले मानव पे किसी बुरी जादू शक्ति का असर, इसलिए मैं यहाँ रहकर परीक्षण करता हूँ। लेकिन अब तुम दोनों कक्षा में जाओ, ठीक है? ठीक है। हाँ एक घंटे बाद आ रहा हूँ बाबा, वेट कर रहा हूँ। एक आप अंकल, आपको स्कूल में सिखाया नहीं कि पब्लिक प्लेस गंदी नहीं करनी चाहिए? हाँ भागो भागो यहाँ से भागो। अब चुपचाप यहाँ से बाहर निकलो, ताकि जिसने हमारे साथ शरारत की थी वो हमें देख ना सके। देखेंगे तो हम उसे बॉस, जिसने हमें इतना परेशान किया। नहीं अभी नहीं, हम उसे बाद में निपट लेंगे। अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, हम तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे ताकि वो आदमी हमें पकड़ ना सके, समझे? और कपड़े चेंज करके हमारे अड्डे पे मिलेंगे। ओके बॉस। वन टू थ्री भागो। देखा ना राज परी, मेरा कमाल। इस मुखौटे में इतनी बुराई है कि इसने अच्छे और सच्चे मानव को भी बुरा बना दिया। हाँ चल परी, बिल्कुल सही कहा तुमने। और सोचो, कल जब सूर्य पूर्णिमा के दिन इसमें सूर्य की ऊर्जा समा जाएगी तो ये मुखौटा कितना बुरा और शक्तिशाली बन जाएगा। तो कितना मजा आएगा। हाँ, और फिर ये मुखौटा हर तरफ बुराई के सुर फैलाएगा। हर जगह बच्चे इस मुखौटे को पहनकर बुराई के गीत गाएंगे, और बालवीर चाहकर भी अपने चहेते बच्चों को अच्छा और सच्चा बच्चा दोबारा नहीं बना पाएगा। पहली बार कहा सही आपने, मतलब है छेड़ा आपने सही राग। नहीं छल परी, मैं संभालता इसे। ये जादुई मुखौटा बहुत शक्तिशाली, तो अगर पहन लूं मैं इसे तो बन जाऊंगा मैं भी महाशक्तिशाली। नाराज परी, अब इस मुखौटे को परियों की नजरों से बचाकर परी लोग सुरक्षित पहुंचाने का कार्य तुम्हारा है। हाँ चल परी, ये मुखौटा परी लोग भी जाएगा और ऊर्जा भी हासिल करेगा। हे शक्तिशाली बुराई के राजा श्री श्री तौबा तौबा जी, वाह! आज से मैं आपकी गुलाम हूँ। बहुत अच्छा। आज से मैं आपका हर आदेश मानूंगी। वाह! आज से आप ही हैं बुराई के राजा, मेरा मतलब महाराजा। आप नाराज क्यों हो गए गुरुदेव? पहन लेता मैं जल्दी से जादुई मुखौटा और कर लेता हूँ अपने तीनों लोगों का राजा होने का सपना पूरा। क्या किया आपने? चुप बेवकूफ, एक भी काम तुम ढंग से नहीं कर सकते तो कम से कम बने बनाए काम को तो मत बिगाड़ा करो। जाओ उस मुखौटे को मेरे पास लेकर आओ। हूँ जाता मैं। चल परी, बालवीर इसी दिशा में आ रहे, भागो। मानव के साथ जरूर कुछ हुआ होगा, वरना मेहर कभी झूठ नहीं बोलती। ये बाल भी तो जादुई मुखौटे की ओर बढ़ता चला रहा है। अगर इसे मुखौटा मिल गया तो हमारी जीत के सारे सुर बेसुरे हो जाएंगे। यहाँ तो सब ठीक है, अब मैं दूसरी दिशा में देखता हूँ।
हमेशा बेसुरे संगीत की तरह मेरे जीत के जश्न को खराब करते रहते हो तुम। लेकिन इस बार मैं कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी। जाओ इस मुखौटे को मेरे पास लेकर आओ। गया समझ, भूलाता मैं वो जादुई मुखौटा। गया कहाँ वो जादुई मुखौटा? था अभी यहीं पर। आंखें देखो तो दबा वहीं होगा। है नहीं वहां पर। ऐसे कैसे हो सकता है, अचानक जादुई मुखौटा कहाँ गायब हो गया? कहीं किसी ने उसे चुपचाप यहाँ से उठा तो नहीं लिया? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी को वो मुखौटा मिल गया और बालवीर को उस मुखौटे के बारे में पता चल गया तो ये समझो कि हमारा खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए हमें वो मुखौटा ढूंढना ही होगा। चलो चलो। बाल परी, आपके आदेश के अनुसार है लगा दिया मैंने सारे दर्पण साफ करके। डुबाई, सिर्फ साफ दर्पण लगाने काफी नहीं है, सारे दर्पण सही दिशा में भी लगे होने चाहिए। हाँ डुबाई, क्योंकि कल सूर्य पूर्णिमा के दिन सूरज से निकलने वाली सारी गर्म और शक्तिशाली ऊर्जा परी मैदान की ओर केंद्रित होगी और उस समय इन दर्पणों में से अगर किसी एक भी दर्पण की दिशा सही नहीं हुई तो वो सारी ऊर्जा इन दर्पणों पे पड़ने की बजाय परी मैदान से टकरा जाएगी जिससे पूरे परीलोक में भीषण आग लग सकती है। लेकिन नटखट परी, पढ़ने से ऊर्जा होनी जाएंगे सारे दर्पण नष्ट? नहीं डुबाई, जब ये ऊर्जा एक दर्पण पे पड़ेगी वो दर्पण उसके दूसरी दर्पण की ओर मोड़ देगा और दूसरा दर्पण उसे तीसरे दर्पण की ओर और जब ये सारी ऊर्जा गालपरी के बनाए हुए गुब्बारे में जमा हो जाएगी तब तक इसका तापमान कम हो चुका होगा। तो बालपरी, ये सारे दर्पणों की दिशा सही है या नहीं उसका परीक्षण कर ले। हाँ, कीजिए परीक्षण आप, है भरोसा मुझे अपने काम पे। ठीक है, अभी परीक्षण कर लेते हैं। वंशधार परी, आप सूरज उगने की दिशा में जाइए और वहां से आपकी तेज वंशधार शक्तियां पहले दर्पण की ओर केंद्रित कीजिए और नटखट परी, आप गाल परी के बनाए हुए इस गुब्बारे को मध्य में रख दीजिए ताकि आखिर में विजधा शक्ति उसमें समा जाए। जी बाल परी। नटखट परी, लाइए ये गाल परी का बनाया हुआ गुब्बारा, हूं मैं पकड़ता, लाइए लाइए। ठीक है डुबाई। हाँ, शुक्रिया नटखट परी, शुक्रिया। सोच लो डुबाई, अगर एक भी दर्पण की दिशा गलत हुई तो विजधार परी की विजधार शक्ति गुब्बारे में समाने की बजाय तुमसे टकरा जाएगी। हाँ, और उससे तुम्हें जोर का झटका भी लग सकता है। हाँ, हूँ मैं तैयार, और डुबा एक नहीं करता कभी कोई गलती। हाँ, हूँ मैं तैयार। कीजिए परीक्षण। आज तक एग्जाम में भी इतना डर नहीं लगा, तब डर आज लग रहा है। एक तो मैं पहले से डरा हुआ, ऊपर से डरावना मस मेरे सामने आ गया। सर, डरावना मस मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अगर आज तक मैंने ऐसा डरावना मस नहीं देखा तो और किसी ने भी नहीं देखा होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस मास को फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पहन के जाता हूँ।
सब लोग इसे देखकर डर जाएंगे। मैं इसे अभी पहन लेता हूँ।